थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के किशोरपुरा का रहने वाला सुमित पिछले दो दिन से लापता है। 20 अगस्त से घर से निकला सुमित अभी तक घर वापस नहीं लौटा है, जिसकी वजह से मां और बहन का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि सुमित बोल नहीं पाता और मानसिक रूप से पीड़ित है, जिसकी वजह से परिजनों को सुमित की चिंता और भी सता रही है। दरवाजे की चौखट पर खड़ी ये महिला किसी और का नहीं बल्कि अपने लापता बेटे का इंतजार कर रही है। जब से बेटा गायब हुआ है, इस दुखियारी माँ और बहन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिजनों की वेदना है कि उसका लाडला सुमित मूक बधिर होने के साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ है। दो दिन पहले गायब हुए सुमित को रिश्तेदारी में सभी जगह तलाश करने के बाद भी अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। सुमित की गुमशुदगी की सूचना भी पुलिस को दे दी गई है। लड़का सवेरे को चला हुआ है, 20 तारीख को। नहीं नहीं वैसे ही चला गया, सो गए जगह और जग के उठ के सोई चला गया सीधा। कहाँ गया फिर पता नहीं चला? नहीं। फिर क्या किया? हमने ढूंढ लिया, नहीं मिला, नहीं है कहीं पे। कहीं नहीं मिला? नहीं। पुलिस ने एफआईआर कराई? करा रही। या पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली? नहीं अभी नहीं मिली है, कोई नहीं गया देखे नहीं अभी। कब निकला था ये? 20 तारीख। 20 तारीख से? हाँ सवेरे। क्या हुआ है? मेरा भाई 20 तारीख का निकला है, अभी तक नहीं घर में आया है। पुलिस कंप्लेंट करा ली, सब कुछ करा ली, सारी जगह ढूंढ लिया, अभी तक पता भी नहीं है कहाँ है वो। चारों तरफ से हार मान के बैठे हुए, क्या करें क्या ना करें, बहुत ढूंढ रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कुछ भी नहीं हुआ, वो बोल नहीं सकता, उसके हाथ पे नंबर लिखा हुआ है, उसके पापा का नाम लिखा, उसी का नाम लिखा हुआ है सुमित। हाथ पे नंबर क्यों लिखा है? बोल नहीं सकता, इसलिए कहीं कुछ हो ना जाए इसलिए उसके हाथ पे नंबर गुदा हुआ है। कितने साल का है वो? 18-19 साल का है, बिल्कुल भी नहीं जानता कुछ भी बोलना। वो उसे ये भी नहीं पता कहाँ जाना कहाँ आना है मुझे। मानसिक तौर से थोड़ा मानसिक तौर से भी बेकार है। लापता सुमित थाना जगदीशपुरा के किशोरपुरा का रहने वाला है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है। परिजनों के दुख का कारण भी यही है कि सुमित ना तो बोल सकता है और ना ही अपने परिजनों के बारे में किसी को कोई सूचना दे सकता है। बहरहाल पुलिस को परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना दे दी है। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।